और आज के जमाने का इमाम यानी इमाम जमान अलैहिस्सलाम के हक को अदा करना है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अमल करें। और उनकी ख्वाहिशात में से आप जानते हैं ख्वाहिश क्या है, बिल्कुल वो कि जिस तरह से माँ ये चाहती है एक बेटे से कि दूसरे बच्चों से हमारे आपस के बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करें, तो याद रखें कि इमाम जमान अलैहिस्सलाम की बहुत ही सादी सी ख्वाहिश है। एक तो यह है कि जिस शरीयत के लिए उनके आबा अजदाद ने अपने आप को कुर्बान किया उस शरीयत पर अमल करें, और उनके चाहने वाले आपस में एक दूसरे को चाहें। बस अगर कोई चाहे इमाम जमान अलैहिस्सलाम को खुश करे, आप जानते हैं कि अमल क्या हो सकता है, इमाम जमान के किसी चाहने वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें और तन्हाई में कहें या इमाम जमान मैंने इस आपके चाहने वाले की मुश्किल को हल किया है, उसकी मुश्किल को हल नहीं किया, दर हकीकत आपसे इजहार मोहब्बत किया है। अब मैं इससे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपसे चाहता हूं कि अपनी जद्दा हजरत फातिमा की बारगाह में मेरी शफाअत फरमाएं। आपसे चाहता हूं कि अपने जद मौला अमीरुल मोमिनीन और रसूल अल्लाह की बारगाह में मेरी शफाअत फरमाएं। आपसे चाहता हूं कि मेरी कब्र को नूरानी फरमाएं, मेरी बरजख में मेरा साथ दें, मेरी मुश्किलात को हल फरमाएं। बस एक किसी मोमिन की मुश्किल को हल करना जब खालिस हो इमाम जमान के लिए, तो हमारी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी।